अस्सलामु अलैकुम, आदाब एवरीवन। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, लवली और खास बात बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। आज हम लोग डैडी को यानी कि मेरे वालिद साहब को हम लोग सरप्राइज देने वाले हैं एक्टिवा बाइक। तो थोड़ा मैं और इमोशनल हो जा रहा हूँ। माँ बाप जो होते हैं वो औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, और जब औलाद अगर माँ बाप के लिए कुछ करती है, इस काबिल अल्लाह ताला उनको बनाता है, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट और जो है बहुत ही बड़ी बात होती है। वालिद साहब को, डैडी को सरप्राइज़ देंगे, तो अभी हम लोग जाएंगे शोरूम पे और वहाँ से नई बाइक लेंगे और डैडी को लाके सरप्राइज़ देंगे। और ये बात उनको अभी तक नहीं मालूम है। उनका रिएक्शन क्या रहता, उनका इमोशन क्या रहता, वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। नदीम भैया भी है, आ चुके हैं, जो कि मेरे बड़े भाई है। आप लोगों ने कई सारे वीडियोस में देखा होगा। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि डैडी कितना खुश होंगे वो देखने, एक्साइटेड हूँ मैं। सेम जो आतिफ जैसा बोले ना, उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। डैडी का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा देखने के वास्ते, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कॉपी पेस्ट कर दिए हैं शेरू भाई। आप कितने एक्साइटेड है? आप बहुत बहुत है, थोड़े बहुत है। सलमान भी बहुत एक्साइटेड है। वो खाली आधार कार्ड रहा तो बस है भाई, पैन कार्ड भी होना पड़ता है भाई। पैन कार्ड नहीं आ रहा, पैन कार्ड होना पड़ता, आधार कार्ड। ये पैन कार्ड क्या है? हमारे साथ यहाँ पर शिराज भाई भी आ चुके हैं, हरदिल अजीज। मैं भी बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं हिंदी, उत्सुक हूँ। उत्सुक हूँ देखने के लिए कि क्या है आज का। अंदर चलिए फिर। बाकी की कार्रवाई वहां करेंगे। चलिए चाय वाय मान लेके जाएंगे कहीं, तो भी सही, क्या बोलते? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सुहाने सफर की। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं एक्टिवा लेने के लिए। कच्ची बोली पे इसका शोरूम है और मेरे साथ है शेरू भाई, नदीम भैया, आतिफ भाई, शिराज भाई और मैं खुद। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते का सारा फुटेज आपको बता रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अभी शोरूम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही से शोरूम के? हाँ। क्या है फिर, कुछ है नहीं है, है ना? आइए। पक्का? अल्हम्दुलिल्लाह। 4000 तो उनके तरफ से कम हो रहे हैं, आपके तरफ से 8000 इंशाल्लाह। चलो डन, 16000 का, 14000 कम हो गए भाई। तो भाई सजेस्ट कर रहे हैं एक्टिवा 125 cc। हाँ, एक्स्ट्रा फिटिंग आपके तरफ से है? रिसेंडर के बोले भाई। हाँ, तो एक्स्ट्रा फिटिंग भाई के तरफ से रहती। चलो डन हो गया, और एक काम हो गया। अरे देखिए, देखेंगे पहले एक्टिवा या 125 cc, दोनों में से कौन सी गाड़ी अच्छी रहती है उसकी मालूमात करेंगे। का देखेंगे कलर कौन से अवेलेबल है। एक है मेहरून, एक है ब्लैक और एक है ग्रे, लेकिन मैं चाह रहा था कि व्हाइट कलर में लियूं। तो देखेंगे, नदीम भैया से भी पूछेंगे अपन। व्हाइट तो नहीं है बोले तो फिर मेहरून ही ले लेना बेहतर है, मेहरून, ब्लैक भी कॉमन हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोडाउन में और वहाँ पर जाके देखेंगे कौन से कलर्स अवेलेबल है और कौन से कलर में गाड़ी का लुक किस तरह आता है। चलिए, तो अभी हम लोग आ गए हैं कारखाना में, होंडा का कारखाना, खाना है कार होंडा, खाना है कारखाना, कारखाना है होंडा। यहाँ पे कई सारे कलर्स है, देख सकते हैं आप, सूरज की लाइट यहाँ से आ रही तो फेस मेरा यहाँ अच्छा दिखेगा। कई सारे कलर्स है यहाँ पर, जा 8000 रुपए भाई के तरफ से कम हो रहे, एक्स्ट्रा फिटिंग भी हो रही भाई के तरफ से। ग्रे कलर अच्छा रहता है, ग्रे कलर अच्छा रहता है। अच्छा, ग्रे के नहीं, बिग्रे शायद ज्यादा। आया है मेरे, हाँ ये है मेहरून कलर, आपकी दिख रही है कैसे भाई, खैरियत से? आपका नाम? नासिर। नासिर भाई हम आपको मिल चुके हैं, आप क्या करते हैं यहाँ पे? फ्लोर सुपरवाइजर है, इनके तरफ से भी 4000 रुपए कम होंगे, होंगे ना भाई? हाँ इंशाल्लाह। चलो 4 4 8,
8 और 4 12 और शेरू भाई की तरफ से 4 16,000 रुपए यही कम हो गए हैं और ऐसे ही लोगों को पकड़ेंगे ताकि फ्री में गाड़ी ले जा सके यहाँ से हम, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा लोगों के पास है जो यूज करे। हमें चाहिए कि सबसे सबके मशवरे में चले, तो सबसे ज्यादा मशवरा यही मिला है कि हमको 125 ले। 125 का बेनिफिट्स क्या है बोल दो अपने को, 125 में जो है मैक व्हील्स मिल रहे हैं और अपने को डिस्क मिल रहा और एक जो है वो ऑफ करने की फैसिलिटीज मिल रही है, लुक भी अच्छा है इसका। लुक भी अच्छा है, तो चलिए 125 हम देखने आए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एमबी मोटर से भैया। एमबी मोटर बहुत बड़ा मसला है, तो इनके तरफ से 10,000 रुपए कम होंगे, 26,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 26,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 26,000। और एक हमारे भाई आ गए, आपका क्या है सर? आप टेक्नीशियन है? टेक्नीशियन है, तो भाई के तरफ से ज्यादा नहीं 2,000 रुपए कम करेंगे अपन, तो कितने हो गए 26 और 2, 28,000, पूरे 28,000 रुपए कम हो रहे हैं। देर मत कीजिए, आगे भाई लोगों से मिलिए। मेरा फोन नंबर है 7386912150, सैयद इजाज नाम है मेरा। इजाज भाई को जो है पूरा कंफ्यूज कर दे रहे, कौन सी गाड़ी लेना है क्या है। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा समझाए भाई, क्योंकि ये हम लोग गाड़ी ले रहे डैडी के वास्ते, तो जरूरी है डिस्क ब्रेक नहीं लेना, क्योंकि कभी सडन ब्रेक मारते करते तो बैलेंसिंग भी आउट हो सकती। यंगस्टर्स के लिए डिस्क ब्रेक अच्छा रहता, लेकिन जो ज़्यादा उम्र एज के रहते तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है डिस्क ब्रेक आप नहीं लेना, ताकि ड्रम ब्रेक में क्या है हल्लू आहिस्ता से कंट्रोल होती गाड़ी और वो लोग भगाते भी नहीं। डिस्क ब्रेक उन लोगों के वास्ते जो ज़्यादा स्पीड चलाते गाड़ी। गाड़ी तो पसंद आ गई, कलर भी पसंद कर लिए, और ड्रम वाली हम लोग गाड़ी ले रहे हैं, डिस्क ब्रेक वाली नहीं ले रहे हैं। तो गाड़ी पसंद आ गई, कलर पसंद आ गया, आगे की कार्रवाई शोरूम में जाके करेंगे। भाई अब आपके तरफ से कितने कम हो रहे ये बोलो आप। इजाज़ भाई लोगों का अलग रहता भाई, आपका क्या है? सर्विसिंग में आना बोल रहे? सर्विसिंग में आइए। क्या सर्विसिंग में? अपना सर्विसिंग का है खाली। अरे सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती जी, मैं खुद 3 साल मैकेनिक का काम करे हुआ हूँ। हाँ चलो भाई भी मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत? आपका क्या डिपार्टमेंट है? चलो बैंक से बोल, तो सीधा सीधा 10,000 रुपए और कम हो गए। हाँ चलो 10,000 और कम, 28 और 10 टोटल। होंडा एक्टिवा 125cc में 38,000 रुपीज की छूट, 38,000 रुपीज कम हो रहे हैं, 38,000। भाई भी पहचानत के, चलो आ जाओ और पैसे कम होते। सॉलिड, जब से आधा घंटा बात कर रहे हो खलील भाई कहाँ है, वो हो गया क्या फिर? अब नाम नहीं मालूम, नाम जमाना हो गया ना, मिल के बहुत दिन से नहीं मिला। भाई भाई डिस्काउंट कितना रहा ये हुई जरा भाई की तरफ से होता है, आदि में का चेहरा देखो। शहबाज भी कुछ अपने बारे में बताएंगे कि डैडी उनके छोटे रहने के लिए, छोटे रहने के टाइम पे क्या गिफ्ट दिए? ये मैं और हमारे, हम लोग तीन भाई हैं, नदीम भैया, नवीद भैया और मैं, हम लोग तीनों मिलके ये डैडी को सरप्राइज देने वाले हैं। वालिद साहब इतने गिफ्ट दिए, सबसे पहला सबसे बड़ा गिफ्ट वाला वालिद साहब का ये है कि अल्लाह ताला उनको जरिया बना के हमारी दुनिया में आमद कराया, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसके लिए अगर मैं मेरे चमड़े का उनके लिए जूता बना दूँ या कोई पोशाक बना दो तो भी वो हक अदा नहीं हो सकता। और इतने गिफ्ट्स हैं, इतने यादें हैं, इतना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह वालदा और वालिद ने, बिलखसूस वालिद साहब। बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि मैं कई सारे वीडियोस में बताया, हम लोग बहुत नीचे से ऊपर आए, लेकिन पहले बहुत ऊपर थे फिर नीचे गए फिर ऊपर आए। वालिद साहब जो है बहुत ही एक रिच परिवार ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ हालात ऐसे हो गए कि ऑटो चला करके हम 7 बहन भाइयों को पाले, तो एवरी संडे। लेकिन जो बड़े बड़े फैमिलीज, रॉयल फैमिली, रिच फैमिलीज में भी ऐसी खुशियां नहीं मिल सकती जितनी खुशियां अल्हम्दुलिल्लाह वालदा वालिद साहब ने हमको दी है बचपन से। एक हिस्सा मैं बोलना चाहूँगा कि एवरी संडे, जब भी संडे आता था तो, या जुम्मे हफ्ते से हम लोग प्रिपेयर रहते थे, अरे संडे आ रहा, और संडे के 1 रुपया बोल के फिक्स था डैडी का, पूरे बच्चों को बुला के संडे का 1 रुपया बोल के मेरे को, हमारे सभी भाई बहनों को 1 रुपया देते थे। और हर बार हर चीज़, चाहे हम लोग की बर्थडे रहने दो, चाहे कोई भी चीज़ रहने दो, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमको ये एहसास नहीं होने दिए कि अरे भाई आप गरीब हैं, आपके पास ये चीज़ नहीं आ सकती, ऐसा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुकाम पे अल्लाह ताला हर चीज़ नसीब करा,
तो मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ स्पेशली वीडियो के जरिए मेरे वालदा वालिद साहब को, थैंक यू सो मच, और अल्लाह आप लोगों को हर परेशानी मुसीबत से महफूज रखे, सेहत और इज्जत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, आपका साया हमेशा हम पे बरकरार रखे, और हमारे लिए आप बस हाथ उठा दीजिए, बस हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर पूरे गाड़ियाँ रखे हुए थे, क्योंकि पूरा पेपर वर्क ख़त्म हो गया, पेमेंट मोड पेमेंट प्रोसेस भी ख़त्म हो चुका है, और अभी हमारी गाड़ी यहाँ पर हो रही है एक्स्ट्रा फिटिंग के, जो सामाना होते हैं वो एक्स्ट्रा फिटिंग के सामाना यहाँ पर लग रहे हैं। अपन जाके देखेंगे क्या क्या सामाना एक्स्ट्रा फिटिंग में आते हैं और क्या क्या लग रहा है और गाड़ी कितनी खूबसूरत दिखती आई। एक्स्ट्रा फिटिंग में जो यहाँ पर सामान आते हैं, यहाँ पर एक साइड स्टैंड आता, लेडीज फुटरेस्ट, फ्लोर मैट, ग्रिप कवर, साइड सेफ्टी रॉड्स, फ्रंट गार्ड, ऑल राउंड गार्ड, सीट कवर, हर इतने चार। पेट्रोल? पेट्रोल भी देता हाफ लीटर। हाफ लीटर? हाँ। छी? हाफ लीटर गत। मस्त चमका के दे देते। मस्त चमका के दे देते ना, मस्त चमका के दिए तो क्या है, मस्त रहता गाड़ी पूरा। ठीक है, ठीक है। अरे भाई माथुर, अभी तो गाड़ी की एक्स्ट्रा फिटिंग चल रही है। शुरू हो चुकी है एक्स्ट्रा फिटिंग गाड़ी की, और यहाँ पर अभी फुट रेस्ट फिट हो रहा है, अभी फिट हो चुका है ऑल राउंड गार्ड, दोनों मिरर्स फिट हो चुके हैं, फुट रेस्ट भी, लेडीज फुट रेस्ट, साइड स्टैंड, फ्रंट बम्पर, ये है साइड बिडिंग, एक्टिवा 125 की बैजिंग। आप कौन सी गाड़ी लेने आए? हाँ, आप कौन सी गाड़ी लेने के वास्ते आया था? हाँ, 6G। ठीक, हम लोग आ चुके हैं गाड़ी ले लेके घर को, और अब यहाँ से एक्साइटमेंट लेवल क्या हुआ मेरे को आज। अरे वो एक्साइटमेंट होता है वो, इसलिए तो ऐसा डायलॉग हो रहा है ना भाई, डायलॉग वो फ्लो गया आपकी वीडियो का। अच्छा तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ और एक्साइटमेंट एक्साइटेड हूँ, और एक्सवाइजेड लेवल जो है मेरा बढ़ते जा रहा, तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग जाएंगे, और एक प्लान हम लोग के पास है, वो ये है कि पहले हम लोग गाड़ी को सेलर में रख के उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे और डैडी को फ़ोन करके बुलाएंगे, और उसके बाद रिएक्शन देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए सुबह में डैडी को ये बोल के रखे थे कि आपकी शूटिंग है आज, आपका शॉट 4 बजे रहेंगे, बोलेंगे बोल के, तो आतिफ भाई फोन करके वही बोले कि आपका शॉट रेडी है बोल के, तो उनको ना मालूम नहीं है अभी, तो अपन देखेंगे उनका रिएक्शन। हम लोग जो है कपड़ा चेंज कर दिए, क्योंकि वो कपड़ा बहुत छोटा था, इसीलिए जो है ये कपड़ा लगा लिए और ये कपड़ा निकाल दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी लिफ्ट ऊपर गई है, डैडी नीचे आने वाले, हम लोग गाड़ी को कपड़ा लाए थे, थोड़ा छोटा हो गया, उसको देखे कोशिश करें छुपाने की, अब डैडी नीचे आएंगे, तो हम लोग जो है शूटिंग चल रही है, सब व्लॉगिंग चल रही है, बोले सर का एकदम लिख जाके बताएंगे, और उनका एक्सप्रेशन देखिए। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी भी आ चुके हैं। सलाम अलैकुम आहत खान व्लॉग वाले, आहत खान भी आ चुके हैं। तो डैडी व्लॉग बना रहे थे, तो उसमें कैसा बोले तो आतिफ भाई गाड़ी लिए नहीं थी, वो उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो आप थोड़ा दुआएं हुए देने का, बिल्कुल अच्छा यहाँ देने का। ये आपके हाथों से करिए इनॉग्रेशन, माशाल्लाह
गाड़ी आती पहले नहीं। अरे कोई तो मुझे इस गाड़ी पे बिठा दो। ओ, क्या हुआ? ये मेरे दादू की नई बाइक आ चुकी है। हुर्रे, ये हुर्रे। दोस्तों, क्या आपको दादू की नई बाइक पसंद आई? क्या कहा? हाँ, हुर्रे। अगर आपको ये बाइक पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, अहद खान व्लॉग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब कर देना। डैडी, मेरा तो प्रमोशन हो गया, अब आप कंटिन्यू करिए। हम लोगों ने देखा कि डैडी का क्या रिएक्शन था, जो स्माइल थी वो खुशी देख के बहुत हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये मेरे बड़े भाई हैं नदीम खान, और ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं नवीद खान, और ये मेरे वालिद, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। तो आज हम लोगों ने सरप्राइज दिया, और मेरे को मालूम था कि डैडी समझ जाएंगे बोल के, लेकिन डैडी समझ गए थे पहले ही। आप समझ गए थे? नहीं नहीं, अभी समझा मैं। ये बच्चे मेरे लिए लेके आए, आइए आगे आइए, मैं बताता हूँ। ये बच्चों ने मेरे को सरप्राइज दिया आज। अचानक मेरे पास गाड़ी नहीं थी फिलहाल, टू व्हीलर। माशाल्लाह से मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे अच्छे बच्चे जो होना चाहिए वो बच्चे हैं मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, नेक हैं, साले हैं, और बेहतरीन अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह से। मैं बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ इस मामले के, मैं बहुत खुश नसीब हूँ अल्लाह का शुक्र। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सरप्राइज दिए? बोलना कुछ भी नहीं है, बस डैडी खुश है तो हम खुश है, बस बस। अल्लाह ताला तो खुशियां नसीब कर रहा, मेरे बच्चे भी उसमें मेरे शरीक हैं, और मेरे खुशियों का और हमारे तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं मेरे बच्चे माशाल्लाह से। मैं लोगों को भी यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो लोग भी अपने माँ बाप का, अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनका बेहद ख्याल रखें, इसमें ही दुनिया की और आखिरत की भलाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र गुज़ार हूँ। अल्लाह ताला हमको जो है अच्छे वालिदैन अता फरमाए, अच्छे जो है वालिदैन हमारे हम लोगों को संवारने के लिए बहुत अच्छे अखलाक हमको दिए हैं, और ये जो हम आज कोशिश करके जो भी छोटा मोटा काम करे हैं ये हमारे लिए कुछ नहीं है, जो उनके मुकाबले में, जो हमारे लिए हमारे वालिदैन ने किए हैं ये उसके मुकाबले में फूल की पत्ती भी नहीं है। इंशाल्लाह हम जब तक जिंदा रहें इंशाल्लाह और कुछ ना कुछ कोशिश करके आगे कुछ ना कुछ और करने की कोशिश करेंगे, और दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको ऐसे वालिदैन दे, सबको ऐसे अच्छे अखलाक मिले, सबके साथ जो है सो मोहब्बत खलुस के साथ रहने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए, हमारे वालिदैन को सेहत के साथ उम्र दराज फरमाए। बहुत 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 शुक्रिया। तो ये था आज का ब्लॉग ख़ास करके डैडी के लिए। तो आप सभी जो है दुआएं करिए हमारे लिए, हमारे वालदैन के लिए, अल्लाह नज़र बद से महफूज रखे, दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे, और जितने लोग हैं उनके लिए भी दुआ करे, औलादों के लिए, माँ बाप के लिए, सभी के, तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआएं करिए। यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।